विज्ञान की मदद से इंसानों ने कई तरह की खोज कर अपने जीवन को और बेहतर बना लिया है। हर रोज हम विज्ञान की मदद से बनाई गई ना जाने कितनी तकनीकों और चीजों का इस्तेमाल करते हैं और नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाने में कामयाब भी रहे हैं। विज्ञान की मदद से ही हम अंतरिक्ष में पहुंचने से लेकर रोबोट कंप्यूटर जैसी चीज बनाने में सफल हो पाए हैं। भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। भारत की धरती पर कई महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है और इन महान वैज्ञानिकों की बदौलत ही भारत ने विश्व भर में विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक अलग ही ओहदा बनाया हुआ है। इसलिए हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने चैनल दीपावली में आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका महत्व और इसका पर्पस बताने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस दिवस का आयोजन का प्रमुख लक्ष्य लोगों के बीच में विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिवस के जरिए बच्चों को विज्ञान को बतौर अपने करियर को चुनने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके और हमारे देश की ओर तरक्की हो सके। ये दीवार हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों चुना गया 28 फरवरी का दिन? वही आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इस दिवस को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी का दिन चुना गया है। दरअसल इस दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा एक खोज की गई थी। उनके द्वारा की गई प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है, ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने ये खोज सन 1928 में कोलकाता में की थी। कौन थे सीवी रमन? सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। वही इनका जन्म 7 नवंबर के दिन हुआ था। साल 1888 में तमिलनाडु में जन्मे इस भौतिक विज्ञानी ने प्रकाश के विवर्तन की खोज कर भारत के नाम विश्व भर में प्रसिद्ध किया था। इनको इस खोज के लिए साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही वो पहले भारतीय भी बन गए थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। इतना ही नहीं, उनसे पहले एशिया में किसी भी व्यक्ति को विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं मिला था। इसके अलावा भारत सरकार ने भी इस महान वैज्ञानिक को साल 1954 में हमारे देश के सबसे बड़े सम्मान से, यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कैसे की रमन प्रभाव की खोज? रमन जी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक सरकारी नौकरी की थी। हालांकि उन्होंने ये नौकरी कुछ समय तक ही की थी, जिसके बाद साल 1971 में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में बतौर एक प्रोफेसर कार्य करना शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने अपना शौक जारी रखा और उनकी कड़ी मेहनत के चलते उन्होंने 28 फरवरी के दिन रमन प्रभाव की खोज कर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनकी इसी खोज की मदद से ही अन्य वैज्ञानिकों को कई तरह की खोज करने में सफलता मिली थी। किस तरह से मनाया जाता है ये दिवस? भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस दिन को विशेष बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। भारत के स्कूलों और कॉलेजों में इस दिन पर कई तरह के कार्यक्रमों, बच्चों द्वारा विज्ञान प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इन कार्यक्रमों में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रेडियो और टीवी पर इस दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इन कार्यक्रमों में विज्ञान को लेकर चर्चा की जाती है। इनके अलावा विज्ञान से जुड़े कॉलेजों में वैज्ञानिकों को भी बुलाया जाता है, ताकि वो कॉलेज के छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा कर सके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की आवश्यकता। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के जरिए हम विज्ञान से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। साल 2018 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय।
इस साल के लिए चुना गया विषय राष्ट्र के विकास के लिए वैज्ञानिक मुद्दे हैं। इस विषय को लेकर ही इस साल देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारत के जाने माने वैज्ञानिकों के नाम। विज्ञान के क्षेत्र में कई सारी चीजों की खोज भारतीयों के द्वारा ही की गई है और इन्हीं खोज के दम पर अन्य वैज्ञानिकों ने अन्य चीजों को खोजा है। आर्यभट्ट, वेंकट रमन, चंद्रशेखर जैसे अन्य वैज्ञानिकों के दम पर ही भारत का विज्ञान के क्षेत्र में शुरू से दबदबा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।